दो दिवसीय नाट्य समारोह में सच्ची घटना पर आधारित नाट्य बसंत बहार को दर्शकों ने खूब सराहा। इसका निर्देशक बालन सिंह बालू ने किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े और दखल न्यूज के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय थे। अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंगमंच दिवस की पूर्व संध्या पर हम थिएटर ग्रुप एवं एकजुट थिएटर एंड वेलफेयर समिति ने दो दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन शहीद भवन में किया। समारोह में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश जनसंपर्क आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े और दखल न्यूज के मुख्य संपादक अनुराग उपाध्याय थे। समारोह में पहले दिन हम थिएटर ग्रुप की बहुचर्चित नाट्य प्रस्तुति लाला हरदौल का मंच किया गया और दूसरे दिन महिला सशक्तिकरण पर आधारित नाटक बसंत बहार का मंचन किया गया। लोक नाट्य शैली के इन दोनों नाटकों का निर्देशन बालेंद्र सिंह ने किया। दोनों नाटकों को दर्शकों की भरपूर सराहना मिली। इस अवसर पर दोनों अतिथियों ने भी बालेंद्र सिंह के निर्देशन और कलाकारों की अभिनय क्षमता की तारीफ की। इससे पहले नाट्य समारोह के आयोजक बालेंद्र सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। सभी या जो मंचा सिंह है यहाँ पर, कोविड में वाकई बहुत मुश्किल काम कर दिया है और इस रंगभूमि को सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ है और आज भी हम उस पुनः आए हुए हैं, लेकिन फिर भी बालन जी और उनकी टीम के द्वारा आज जो मंचन किया है, कल मैं आ नहीं पाया था, इतने कम समय बहुत ही अच्छा विषय उन्होंने रखा है और बालन को सब लोग जानते हैं, चाहे रंगभूमि हो या बॉलीवुड हो, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं इनको। ये वाकई आज का विषय जो मैं चूँकि मराठी नाटक कई बार देखता रहता हूँ, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। एक संगीत नाटक की परंपरा रही है कि बीच बीच में कोई भी चीज़ होती संगीत के रूप में बताने की एक परंपरा है, उसको भी इसके साथ जोड़ा हुआ है, मॉडर्निटी के साथ भी उसको जोड़ा हुआ है। लेकिन कुछ प्रसंग जो हम समाज में देखते हैं और जिसके जवाब कई बार हमारे पास नहीं होते हैं, वो जवाब उस महिला के या उस व्यक्ति के या उस बालिका के दृष्टि से क्या हो सकते हैं, इसका कोई जवाब नहीं होता है और हर प्रसंग का जवाब अलग होता है और ये एक भारतीय परंपरा है कि इसके कोई जवाब भी हमने समाज में ढूंढे हैं। शायद इस प्रकार की चीज़ वर्ल्ड में कहीं नहीं होती है। इसका बहुत अच्छा एक प्रयास, हर प्रकार की चीज़, सभी प्रकार कई चीज़ें देखी, मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका, लेकिन जो मुझे इसमें भाया बहुत अच्छा मुझे पता चला, सभी भोपाल के ही कलाकार हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं कई बार इस यानी कोशिश कर रहा था शहीद भवन में जब मैं भोपाल में कलेक्टर था तब, लेकिन इसको कभी इसका आनंद ले नहीं पाया मैं और कोशिश करूंगा कि मैं अब आपके साथ रहूंगा, कोविड हमको जितना हमको परमिट करे उतना हम करते रहेंगे। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आभार आप सबका। सुदाम सर ने तमाम सारी बातों पर प्रकाश डाल दिया है। मैं दो पंक्तियाँ सुनाऊंगा कि बहुत मुश्किल है दिल पर दिल की कहानी लिखना, बहुत मुश्किल है दिल पर दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर हो पानी लिखना, मैं सजदा तो रोज करता हूँ पर तुम भूल जाते हो मेरे खाते में शाम सुहानी लिखना। आज की शाम कहानी और तीन शब्द मेरे जितने साथी कलाकार हैं, क्योंकि मैं खुद एक सीरियल लिखते लिखते पत्रकार बना हूँ और एक्टिंग की, सीरियल लिखा उसके बाद पत्रकारिता में आ गया, तो तीन शब्द मुझे बहुत माकूल लग रहे हैं आज के लिए, अद्भुत, विलक्षण और सत्य। और ये तीन शब्द बालिन जब जब होते हैं तब तक मुझे याद आते हैं। आज जो कथा थी, आज के परिवेश में एक नासूर की तरह इस तरह की कथाएं रोज अखबारों में, टेलीविज़न पे, समाज में सामने आती हैं, तो अद्भुत कथा थी, अंत सुखद था। विलक्षण कलाकार जब मंच पे हों तो ऐसा ही समा बनता है। लोक शैली का ये नाटक मुझे लगता है कि बहुत छाप छोड़ेगा देखने वालों पे, अभी भी हमेशा जब भी खेला जाएगा। बालन को बहुत शुक्रिया और मेरा ये आग्रह है कि इस तरह के प्रयास आप करते रहें। कौन साथ है, कौन साथ नहीं है, कितने लोग हैं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आपने बहुत संजीदा विषय को उठाया और ऐसे विषय उठाए जाते रहने की, ये हम आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।